मैं कुछ शिक्षा कर आपके साथ डिस्कस करूंगा कल मार्केट गैप डाउन क्यों होने वाला है, क्यों यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इतनी सारी बातें मैं क्यों लिखा हूं। तो गाइस पूरा चीजों को समझने के लिए, देखो आप लोग समझते नहीं है, जो कॉल दिया उसके पीछे भागते हैं। देखो मैं कोई अगर कॉल दिया हूँ 40 रुपया में या 30 रुपया में, लिखा हूँ बेस्ट प्राइस 20 रुपीज में, तो आपको 20 रुपीज मिलेगा तो बाइंग करना है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो सीधे चलते हैं हम कल के चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर जैसे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कल गैप डाउन क्यों हो सकता है, मैंने ये एक्सपेक्टेशन क्यों किया हूँ। ओके तो हमारा सामने सबसे पहले तो निफ्टी का चार्ट ओपन है। एक सिंपल सिनारीज मैं आपके साथ डेली प्रेजेंट करता हूँ, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ओके ये जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं एक दिन पहले ही आपको लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखो कल के लिए जो लेवल है 18,000, ध्यान से देखिएगा इस जगह को। हाँ देखो 18,350 पी लेवल है, मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे है 18,333। डन, यानी कि कल का जो पी लेवल होगा उससे नीचे मार्केट आज क्लोजिंग दे दिया है, स्टैंडर्ड लेवल से नीचे दे दिया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चले सेकंड पॉइंट, ग्लोबल मार्केट। अब मैं हर एक पॉइंट को बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में चल रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखो, ऐसे नहीं है कि होगा ही होगा, हो सकता मैं रॉन्ग निकला, लेकिन जो प्रिडिक्शन कह रहे हैं मैं उसके साथ चल रहा हूं। ओके ग्लोबल मार्केट से क्या निकल के आ रहा है दोस्त, देखो एक बियरिश सेंटिमेंट्स। अगर कोई मिराकल हो जाता है, मार्केट गैप अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है तो बात अलग है, लेकिन मेरा सेंटिमेंट्स क्या है, बियरिश है। ओके तो मैं यहाँ से बियरिश ट्रेंड में रहूंगा। कौन सी, क्या है ये ना, ये हमारा S&P 500 एंड डाउ जोन। डाउ जोन की स्थिति देखोगे, देखो डाउ जोन की स्थिति, एक बुलिशनेस ब्लास्ट आया था, ब्लास्ट आने के बाद धीमे धीमे ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, क्लियर है ना। चलो मैं कोई सट्टाबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, अब इसके आगे और भी चीज दिखाऊंगा, राइट। चलो और भी क्या दिखाऊंगा, चलो निफ्टी का चार्ट में आ गया हूँ, मैं ऑन डे का चार्ट में आऊँ, फिर मैं बताऊंगा किस लेवल पे आपको ट्रेड लेना होगा, राइट, किस लेवल पे आपको कल के लिए ट्रेड लेना होगा, फिर मैं बताऊंगा कौन सी कॉल या कौन सी पुट में आपको ट्रेड लेना होगा, फिर मैं बताऊंगा रिलायंस आईसीआईसी बैंक का एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है विथ फुल टेक्निकल एनालिसिस। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है वीडियो, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आपको टेक्निकल सीखना है। ओके तो देखो कल मैं बताया था एक चीज, जब एक कंटिन्यू बुलिशनेस के बाद, कंटिन्यू बुलिशनेस के बाद दोजी बनता है, यानी कि मार्केट में बेयरिश पैटर्न। कल मैं निफ्टी के लिए क्या बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव बन सकता है, और निफ्टी जब इससे नीचे आएगा तो डाउन जाएगा, हालांकि आज से और लो जाएगा, इतना बताया था। किस बेस पे बताया था, वॉल्यूम के बेस पे बताया था। अब ये वॉल्यूम से कैसे नेक्स्ट डे का प्राइस पता करे, संडे को डेमो क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डेमो क्लास कैसे मैं क्लास लेता हूँ, क्या मैं आपको समझा पाऊंगा, राइट। चलो वो मैं संडे को समझाऊंगा, तो ये समझ में आ गया। मैं कल बताया था निफ्टी डाउन में आएगा, जो आजकल लो है उससे डाउन आने के चांसेस है, और बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड विद पॉजिटिव रहने का चांसेस है। ओके चलो वही होता हुआ दिखाई दिया, ये तो समझ में आ गया है। अब मैं तीसरी पॉइंट बताऊंगा जो कल मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकता है, तो सारे पॉइंट मैं बताऊंगा, मुझे याद दिला देना बीच बीच में। ओके चलो तो अब मैं छोटी टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 15 मिनट पे, मैंने ये लाइन आपके सामने ड्रॉ कर दिया हूँ, सॉरी ये लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ कर दिया हूँ। ड्रॉ करने के बाद देखिए, अगर ज़्यादा गैप डाउन नहीं होता है तो आपको मौका दे रहा है, बट एक्सपेक्टेशन है कि 18,300 से नीचे मार्केट ओपन हो, ठीक है। ये जो सपोर्टिंग लेवल पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर नीचे ओपन होता है या इसके बीच में ओपन होता है, बहुत अच्छा मौका है। अगर यहाँ पे ओपन होता है, बहुत अच्छा मौका है। आपने हर इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे, मैंने क्या बता के जा रहा हूँ, जब तक ना इससे ऊपर सस्टेन करेगा, पहला तो फास्ट 5 मिनट से पहले ट्रेड नहीं करना है। अगर फास्ट 5 मिनट यहाँ पे ओपन हुआ और इससे दो लो ब्रेक किया, आपने पुट लेना है यहाँ तक के लिए बिंदास होके, ठीक है। और जैसे मैं बता के जा रहा हूँ, ऐसे अगर होता है कि गैप डाउन हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ, इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये पॉजिटिवनेस यहां तक आ सकता है,
क्लियर, 18,350, क्लियर ना। तो ये फर्स्टली जोन रहेगा हमारा। फ्राइडे के दिन अक्सर क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट रहता है, हम कंटिन्यू कई दिन से देख रहे हैं मार्केट एक ह्यूज रेंज बाउंड में रह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेकेंड रेंज है 18,250, और ये है 18,350, यानी कि ओवरऑल बोर्ड रेंज जो है 100 पॉइंट का। समझ में आ गया, अगर 250 को ब्रेक होगा तो ही ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है, इतना समझ लीजिएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल क्या आ रहा है गाइस, तो बैंक निफ्टी लेवल है आपको 42,500, ये एक मेन लेवल आ रहा है 42,500। मैं यही दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, देखिए इस टेलीग्राम चैनल पे अगर जोड़ना है तो मुझे अपना जो ब्लिंकिंग हो रहा है नंबर, इस नंबर पे हेलो हाई कुछ भी लिख दीजिएगा, आपको इसका लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख के जुड़िएगा। सर्कल ट्रेडर्स नियर अबाउट 20,000 सब्सक्राइबर है, इसी चैनल को जुड़िएगा। बट कोई कॉल पे अगर ट्रेड करते हो ना, थोड़ा सा अपना समझदारी से करना, विदाउट ब्लाइंड, फुल्ली ब्लाइंड होकर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ब्लाइंडनेस को हटाने के लिए मैं मिल रहा हूँ आपके साथ 25 नवंबर को। ओके, आना, वहीं पे मुलाकात होगा 25 नवंबर को, राइट, ऑनलाइन में, कोई जगह पे नहीं जाना है। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 42,470 बेंचमार्क है, ये जो मैं बेंचमार्क दिया हूँ। अगर मार्केट 42,300 से नीचे ओपन होता है तो ये ब्रॉड रेंज बन रहा है 250 to 450, यानी कि 500, 42,200 हम कई दिनों से देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट, तो इसे जरूर ध्यान देना। 42,250 एक बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट। अब मैं फाइनली बताता हूँ कि मैं और क्या एनालिसिस में मार्केट को डाउन देख रहा हूँ। ठीक है, देखो मिराकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव घुमा सकता है। हर लोग कह रहे हैं मार्केट मुड़ेगा नहीं, डाउन नहीं आएगा, मैं भी कह रहा हूँ मार्केट मुड़ेगा नहीं, डाउन नहीं आएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए आरबीआई फिर से पॉलिसी है कब, 7 तारीख को, और वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, रेपो रेट को दर और बढ़ाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, इस खबर से मार्केट थोड़ा सा सुस्तनेस तो बन ही सकता है ना। चलो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं फाइनली जाता हूँ बैंक निफ्टी का ऑन डे का चार्ट में। अब यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, जो बुलिशनेस था मार्केट में वो बुलिशनेस थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, बुलिशनेस हल्का हो रहा है। चलो तीसरा कंफर्मेशन मैं क्या दूंगा आपको, तीसरा कंफर्मेशन आपको दूंगा वॉल्यूम, और इसी वॉल्यूम के बारे में डीपली मैं समझने वाला हूँ संडे को, राइट। मैं वॉल्यूम लगा दिया बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है, कोई बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मेरे बोलने बोलने से पहले कोई बताएंगे। चलो अगर आपको पता है तो जरूर बताना कि मैं जो चार्ट ओपन किया हूं उससे पहले अगर आपने बता दिया तो। ओके, चलो तो गाइस ये हो गया बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऑन डे का चार्ट ओपन किया। इतनी सारे टेक्निकल हमें सीखना पड़ता है, अगर पिन पॉइंट में ट्रेड करना होता है, देखो मैं कोई कॉल देता हूं ना तो भाग जाता है, जब भाग जाता है दोबारा आता है तब आप लेते हो और फंस जाते हो, तो भागने से पहले कैसे आइडेंटिफाई करें, वही चीज सिखाने वाला हूँ क्लास के अंदर। ओके, 10, 25 नवंबर। चलो यहाँ पे आ गए ऑन डे का चार्ट में, अब मैं वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या रहा है, क्या रहा है गाइस, हालांकि वॉल्यूम पिछले दिन का वॉल्यूम से कम है, क्या है, पिछले दिन अच्छा ग्रीन वॉल्यूम था तो ही मैं बताया था आज बैंक निफ्टी में उतनी ज्यादा मुड़ेगा नहीं, बट निफ्टी मुड़ेगा, है ना। देखो कल के दिन निफ्टी का फ्यूचर में क्या था, मैं बहुत क्लियरली समझाया था, ये पिछले दिन का वॉल्यूम से आज का वॉल्यूम हाई था, ठीक है ना, बट रेड था, इससे क्या दिख रहा था कि मार्केट डाउन होगा इस लो से और डाउन होगा। जिन लोग ज़्यादा समझदार है तो एक बार में समझ जाएंगे, जिन लोग कम समझदार है मैं उनके लिए हूँ, ठीक है ना, उनको समझाना मेरा काम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बैंक निफ्टी का हाई हुआ था, ज़्यादा हुआ था, ग्रीन वॉल्यूम हुआ था, यानी कि बायर वॉल्यूम आया था। बायर वॉल्यूम कब आता है, कैसे होता है, वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड वॉल्यूम हुआ है, रेड वॉल्यूम कैसे बनता है संडे बताऊंगा। तो रेड वॉल्यूम हुआ है बट पिछले दिन का वॉल्यूम को हाई ब्रेक नहीं किया है, ये एक छोटी सी जगह बच गया है जो पिछले दिन का वॉल्यूम का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ये कन्फ्यूजन वाला जगह है, क्या मार्केट इससे नीचे आएगा, अगर पिछले दिन का कैंडल का लो ब्रेक करेगा तभी मार्केट यहाँ से और डाउन आ सकता है। दैट्स ऑल ऑफ माई यूट्यूब वीडियो, अगर इस पिछले दिन का लो को ब्रेक करता है तभी मार्केट यहां से नीचे आएगा, यानी कि 42,400 लेवल को ब्रेक करेगा तो 42,250 और 200 लेवल, दैट्स ऑल। लिख लीजिए मैं क्या बता गया हूं, किस लेवल पे आपको ट्रेड करने के लिए गया हूं,
ओके ना, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कुछ नहीं, ऑप्शन चेंज मैं आज देखूंगा ही नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा डेटा हमारे को मिलेगा नहीं। तो आई होप कि पूरा सिनारीज आप समझ पाए होंगे, कहाँ पे आपको पुट लेना है, कहाँ पे कॉल लेना है, समझे कि नहीं। मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाया हूँ, सपोर्ट पे मिलेगा तो कोशिश कीजिएगा कॉल लेने का विथ स्टॉप लॉस। रेजिस्टेंस पे मिलता है तो वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि मुझे उस रेजिस्टेंस पे पुट लेना है विथ स्टॉप लॉस। रेजिस्टेंस से उल्टा चला जाता है तो स्टॉप लॉस लेना है, इससे ज्यादा और क्या है। अब बात आता है सर रिलायंस का क्या होगा। चलो रिलायंस का चार्ट मैं ओपन कर दिया विदाउट एनी टेक्निकल। तो रिलायंस का बेस एक सपोर्ट है ये, है यहाँ पे, जिस सपोर्ट को बार बार लेने का कोशिश कर रहा है। जब तक इस सपोर्ट को ये सपोर्ट दे रहा है तब तक तो अच्छा है। सॉरी गाइस, ओके। और फिर मैं आऊंगा HDFC बैंक एंड ICICI, क्योंकि इन दोनों के अलावा तो हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते ना। तो देखो HDFC बैंक में थोड़ा सा सुस्तनेस आ रहा है, तो थोड़ा सा HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। ICICI बैंक इस जोन में घूम रहा है, ICICI बैंक बहुत अच्छा पॉइंट में था, ठीक है। ICICI बैंक का मुझे अगला टारगेट है 950, ये सुन लीजिएगा। बट ये सोच के कोई कॉल ऑप्शन मत बाइंग कर लेना, आप लोग यही करते हो कि मैंने 950 का टारगेट दिया, आप लोग कॉल ऑप्शन बाइंग कर ले, नहीं करना। बट 950 टारगेट आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आज का वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़िएगा, जुड़ लीजिएगा, बट ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। किसी जगह पर डाउट होता है मुझे तुरंत व्हाट्सअप करो, इतना तो फैसिलिटी मैं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।